नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। देश भर में टोल कर्मियों की गुंडागर्दी की वीडियो अक्सर सामने आती रहती है। टोल वसूलने के नाम पर टोल कर्मी कई बार हाथापाई तक उतर जाते हैं। बजाय सलीके से बात करने के टोल कर्मी दूसरा तरीका अपनाते हैं जो गुंडागर्दी का होता है, और गुंडागर्दी के लिए टोल पर करीब करीब 10 से 12 बंदों को रखा जाता है। लेकिन जरा सोचिए, आम आदमी नहीं एक पुलिसकर्मी के साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या कहेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ है दौसा के सिकंदरा थाने के एक पुलिस के जवान के साथ। जवान का नाम मोहन है और वो ड्यूटी पर थे। रात को चेकिंग चल रही थी, थाने के सामने ही बैरिकेड्स लगाए हुए थे और वो चेकिंग कर रहे थे। नॉर्मल ये चेकिंग थी, लेकिन इसी दौरान एक तेज सवार बाइक आती है जिसे रुकवाने की कोशिश पूरी पुलिस टीम से की तरफ से की गई, लेकिन वो नहीं रुका और बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे निकल गया। जिसके बाद पुलिसकर्मी जिस सेल्टो कार की चेकिंग कर रहे थे उसी कार को लेकर उस बाइक सवार का पीछा करने लगे। लेकिन कुछ ही दूरी पर टोल था और रॉन्ग साइड से मोहन ने गाड़ी निकाली, लेकिन तब तक बाइक चालक फरार हो चुका था। इसी बीच जब गाड़ी रॉन्ग साइड से निकाली गई तो टोल कर्मी गुस्सा गए और गुस्से में उन्होंने मोहन के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। उनके साथ धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, जिसकी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब जरा सोचिए, पुलिस वाले के साथ ये हालात हैं तो आम जनता के साथ ये टोल वाले कैसा बर्ताव करते हैं। जिसके बाद हालांकि मोहन की तरफ से बांदीकुई थाना में मामला दर्ज करवा दिया गया है, उनके साथ जो बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, उसके खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज करवा दिया है, क्योंकि वो टोल है वो बांदीकुई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मोहन सिकंदरा थाने के अधीन काम कर रहे हैं। अब इसमें बड़ी बात यह है कि टोल कर्मियों ने गुंडागर्दी की और वो भी एक पुलिस कर्मी के साथ गुंडागर्दी की, और उसके बाद उन्होंने मीडिया के माध्यम से ये प्रचार करने की कोशिश की कि उनके साथ पुलिस वाले ने गुंडागर्दी की है। इस पूरी घटना का जो वीडियो है उसमें से आधी क्लिप जिसमें मोहन उनसे बहस करते नजर आ रहे हैं वो दिखाया जा रहा है। कई बड़े चैनलों की तरफ से भी वही दिखाया जा रहा है, बिना इसके सच को जाने, बिना तथ्य को जाने गलत खबर प्रकाशित की जा रही है, प्रसारित की जा रही है। लेकिन न्यूज 19 आपको इसकी असलियत दिखाने जा रहा है। हम आपको इसकी असलियत इस दिखा रहे हैं जिसमें पूरा वाक्य आपको दिखाएंगे कि किस तरह टोल कर्मियों ने एक पुलिस के जवान मोहन के साथ बदसलूकी की, मारपीट की। मोहन का कसूर कुछ भी नहीं था, वो एक अपराधी को पकड़ने के लिए तेजी से आए थे और अपनी ड्यूटी वो निभा रहे थे। इसके अलावा उनकी गलती कुछ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद टोल कर्मियों की वजह से उन्हें अच्छी खासी जलालत झेलनी पड़ी, क्योंकि उनके साथ धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी हुई। अब इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो खबर मीडिया में या सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही है उसमें मोहन को दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि मोहन का कोई दोष नहीं है। वो एक अपराधी को पकड़ने गए थे और उसी दौरान टोल कर्मियों ने उनके साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी कर डाली। अब इस घटना का पूरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही। बाकी तो जांच का विषय है, लेकिन जांच में सामने आएगा कि किसकी गलती थी। लेकिन अगर जांच में ये सामने आता है कि टोल कर्मियों की ये गुंडागर्दी थी, उन्होंने गलती की है, तो फिर आगे क्या होगा? क्या एक जवान पुलिस जवान के साथ हुई बदसलूकी और उसकी हुई बेइज्जती को वापस लौटा पाएगा टोल प्रशासन, टोल कर्मी? शायद नहीं। ये पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं, इस वीडियो से आप खुद तय कीजिए कि इसमें गलत कौन है और सही कौन है।